जय हिंद साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा झुंझुनू, अलवर और जयपुर की जो सेना भर्ती रैली है अपने सामने आ चुकी है, जो डेटे अपने सामने आ चुकी है, क्या उन्हीं पे सेना भर्ती रैली होगी या फिर इनको आगे पीछे किया जाएगा। विस्तार से पूरी जानकारी बताने की कोशिश करूंगा। अभी कुछ कैंडिडेट मैसेज डाल रहे हैं बार बार, क्या अग्निपथ सेना भर्ती के ऊपर स्टे लगेगा, जो अभी कोर्ट के अंदर जो अभी याचिका दायर की गई है रिजल्ट्स को लेके, और जो पेंडिंग जो एयरफोर्स के एनरोलमेंट है, जो रिजल्ट्स है, या फिर जो इंडियन आर्मी की जो सेना भर्ती में जो फिजिकल क्वालिफाइड जो मेडिकल फिट जो कैंडिडेट है जिनका रिटर्न एग्जामिनेशन होने वाला था, समथिंग 1,29,000 के समथिंग युवा थे, उनकी सुनवाई को लेके याचिका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दायर की गई थी, उसको लेके कैंडिडेटों के अंदर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्या सेना भर्ती के अंदर रोक लगेगी, जैसे झुंझुनू की भर्ती को अभी थोड़े अगस्त में होने वाली थी लेकिन उसको सितंबर महीने के अंदर कर दिया गया, तो इन चीजों को देखते हुए कैंडिडेट्स के अंदर नए नए विचार आ रहे हैं। मैं उनको क्लियरली बताना चाहूंगा, इंडियन एयरफोर्स के फॉर्म कंप्लीट हो चुके हैं, उनके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और उनके एग्जाम भी शुरू हो चुकी है। अभी 25 तारीख से नेवी के फॉर्म आज 24 तक रहेंगे एस एस आर और डबल ए के, उसके बाद में नेवी एमआर के फॉर्म चालू रहेंगे और इंडियन आर्मी के फॉर्म चालू है इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे। जिन एआरओ की भर्ती रैली नेक्स्ट मंथ में या फिर उससे आगे वाले मंथ में होने वाली थी उनका एप्लीकेशन 1 से 30 जुलाई तक चल रहा है। जिन कैंडिडेट्स ने अभी ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है वो अपना आवेदन कर ले। सेना भर्ती रैलियों की मैं बात करूँ कि आगे पीछे किया जाएगा या इन पर रोक लगेगी, होगी या नहीं होगी, तो मैं क्लियरली मेंशन करना चाहूंगा गाइज, अग्निपथ योजना के माध्यम से जो सेना भर्ती जो शेड्यूल जारी किया गया इंडियन आर्मी की ओर से, जो पूरा प्रारूप तैयार किया गया, ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू है, आपके रैली भर्तियों के डेट्स ऑल ओवर इंडिया की आ चुकी है, तो इसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन कर रखा है कि अगर रैली भर्ती तिथियों को आगे पीछे किया जा सकता है, बाकी भर्ती रैली के अंदर कोई भी बदलाव नहीं होगा, भर्ती रैलियों के ऊपर कोई भी रोक नहीं है। उसमें आगे पीछे डेटे हो सकते हैं लेकिन भर्ती रैली आपका कैंसिल नहीं होगा, इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ। जयपुर की भर्ती रैली समय पे होगी, झुंझुनू की भर्ती को आगे बढ़ाया गया, लेकिन अब जो डेट आपको मिली है उसी डेट पे झुंझुनू की भर्ती होने वाली है, इसके साथ में भी अलवर की भर्ती उसी टाइम पे होने वाली है। राजस्थान के अंदर 3 AR झुंझुनू, अलवर और जयपुर, इनकी भर्ती जो टाइम दिया गया उसी टाइम पे होगा, नवंबर में आपका रिटर्न एग्जामिनेशन करवा लिया जाएगा। बाकी बचते हैं 2 AR जोधपुर और कोटा, उनकी डेटें दी गई।